नमस्कार। पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हिंदुस्तान में चार स्टेट हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, और बहुत डिटेल में जाएं तो शायद पंजाब उस रेंज में भी आ जाए, जिनमें ना नोट कीजिए स्टेट की लिस्ट ऑल इंडिया से ऊपर होती है सरकारी में। दैट मीन्स जिस आखिरी बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं, पहले तो ना आप ये सब क्लियर हो जाइए, क्योंकि मैं तो हैरान होता हूँ इतने वीडियोस बनाने के बाद भी कई, और ठीक है आपकी भी दिक्कत मजबूरी है क्योंकि आप तो पहली बार ये काम करवा रहे हो, और मोस्टली कंसल्टेंट तो सच बातें बताते ही नहीं ना, तभी तो आपसे वो एक्स्ट्रा कमाएंगे। पर ऑल इंडिया कोटा क्या होता है कि हर सरकारी कॉलेज में से 15% सीटें निकाली गई पूरी इंडिया के, और वो इकट्ठी करके एक साथ की गई। बेसिक पर्पज़ ये था ताकि एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में जा सकें। अब बाकी 85% सीट होती है उस स्टेट के बच्चे के लिए। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि उस स्टेट के अंदर क्या कंपटीशन है। मैंने वो हिमाचल का पूरा वीडियो बनाया था कि अगर हिमाचल के लकी रहने वाले तो आपको 540 में सरकारी सीट मिल गई। अभी 540 ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगी, वो तो 615-20 जो भी नंबर हैं इस साल के, और उसी रेंज में रहेगा ना ऑल इंडिया कोटा तो। लेकिन अगर आप 560 हिमाचल के बच्चे हैं तो मान के चले कि अब हिमाचल में ही रहोगे, ठीक है, ये पहला फैक्टर मान लीजिए। तो जो भी जिस स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से नीचे जा रही है, वो आप लकी हो कि आपके स्टेट के अंदर कंपटीशन कम है, क्योंकि 85% सीटें हैं आपके स्टेट के बच्चों के लिए, आपके डोमिसाइल के लिए। और वो फिर हर स्टेट का रूल अलग है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी वो 600 से नीचे है, मध्य प्रदेश में 600 से नीचे है, तकरीबन हर जगह 600 से नीचे है, सिर्फ वही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, यूपी नहीं। और इसके अंदर भी जो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा से ऊपर ख़त्म होती है हर साल, वो होता है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। अब आपको भी बिहार तो छोटा सा स्टेट है जी, 6 कॉलेज है, शायद 7 हो गए, PGMS, कल्पना चावला, अग्रोहा, भगत फूल सिंह, मेवाती, ESI, अटल बिहारी, 7 कॉलेज, छोटा स्टेट हरियाणा, फिर भी ऊपर जाती है। बिहार तो चलो समझ में आता है इतना बड़ा स्टेट है, पर समस्या ये है कि अब इसे बोलते हैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी एल्स इतना इंटरनल कॉम्पिटिशन, तो शायद दिल्ली की हवा है या क्या है, बट दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जो बेल्ट हो जाती है, कोटा का इफेक्ट है, इनके बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दूसरों के मुकाबले रिलेटिवली, तो इनके स्टेट की कट ऑफ ऊपर जाती है। तो दैट मीन्स अगर हरियाणा में किसी बच्चे के इस साल अभी तक फ़िलहाल 616 है, तो शायद उसको ऑल इंडिया कोटा मिल गया होगा, उसको हरियाणा नहीं मिला होगा। अब हम उससे पूछते हैं सर क्या मुझे हरियाणा में मिलने का चांस है, सब लोग पूछते हैं, तो मैं कॉमन जवाब दे दूँ 2500 रुपये आपको देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हर बच्चे को पकड़ते, मैं अपने स्टेट में बैठा हुआ हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, एक मैंने भरा ऑल इंडिया कोटा और एक मैंने भरा अपना स्टेट। अब अपना स्टेट छोड़ के मैं ऑल इंडिया कोटा में क्यों जाऊँगा जब ऑल इंडिया कोटा में मुझे बेटर कॉलेज मिले। ये मैं उस स्टेट के बच्चों के नीचे वाले, जैसे मुझे कोई हरियाणा का 610 वाला ऐसे में पूछ रहा है या 618 वाला कि सर क्या फ़िलहाल मुझे ऑल इंडिया कोटा मिला हुआ है, क्या मेरा स्टेट में चांस है, या दिल्ली वाले मुझसे पूछ रहे हैं सर फिलहाल हमें 625 में दिल्ली मिला हुआ है, ऑल इंडिया मिला हुआ है, क्या हमारा दिल्ली में चांस है। मैं कहता हूँ कि भाई अब तू एक टिपिकल यूपी का पकड़ लो, MP का पकड़ लो, महाराष्ट्र का पकड़ लो, मैं कहता हूँ तुम्हारी कट ऑफ नीचे कब जाएगी। अब तुम अपनी सब लोगों ने फर्स्ट राउंड की लिस्ट निकाल दी, अब ऊपर के बच्चों को देखो। अब आपके जो स्टेट का टॉपर है वो महाराष्ट्र छोड़ के कहाँ जाएगा, या तो भाई वो जाए कि उसको एक ना शानदार सीट मिले दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का फेमस PG कोटा, राइट। तो मैं एक टिपिकल महाराष्ट्रियन हूँ, या तो मुझे दिल्ली का PG कोटा मिल रहा है, या मुझे एम्स दिल्ली मिल रहा है, या मुझे पहले 5 एम्स में से कोई मिल रहा है, एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर जो पुराने खुले हुए थे, या मेरा मन था पढ़ने का और मुझे KMU लखनऊ मिल रहा है, मतलब उस टाइप का कॉलेज मिल रहा है। नहीं तो अगर मुझे महाराष्ट्र के बाहर निकल के एक जो मेरी लिस्ट में है ना Tier 2 वाला कॉलेज मिल रहा है, और Tier 1 में भी अगर नंबर 30 मिल रहा है, तो मे बी आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। आई एम टिपिकल महाराष्ट्रियन, मैं नहीं जाना चाहता एक UP के भी GVM कानपुर में, उससे अच्छा मैं GMC लातूर में पढ़ लूँगा। चॉइस होती है, बिल्कुल होती है, एक कल्चर होता है अपना, खाना पीना होता है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। आप सब लोग ही कहते हैं आप सिर्फ क्वालिटी में तो एडमिशन लेते हो नहीं ना, आपको ये भी चाहिए कि बच्चा पास में रहे, बगल में रहे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो जो मैंने आपको फर्स्ट ब्रैकेट के 50 सरकारी कॉलेज बताए थे, उसमें भी अगर आपको अपना स्टेट क्रॉस करना है तो शायद आप पहले 10-20 देखते हो कि दिल्ली तो दिल्ली है, या मैंने कहा ना कोई यूपी वाले को चलो भाई यूपी के बल्ले बॉम्बे का कॉलेज मिल रहा है तो वो चला जाएगा कि चलो बॉम्बे में रह लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ फैक्टर हैं जो प्ले करेंगे। बट मोस्टली इसके बाद तो अपने स्टेट की लिस्ट देखते हो, पहले 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं जो आपने देखा कि इनको ऑल इंडिया, और अब आप चेक कर सकते हो, आप राजस्थान के मेरिट उठाओ, महाराष्ट्र के मेरिट उठाओ, ऑल इंडिया उठाओ,
राजस्थान के बच्चे को महाराष्ट्र से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको तो मतलब है मेरी राजस्थान की लिस्ट और ऑल इंडिया लिस्ट। बिहार के बच्चे को बिहार की लिस्ट, ऑल इंडिया लिस्ट एमसीसी वाली। तमिलनाडु के बच्चे को तमिलनाडु एमसीसी लिस्ट। और अपनी लिस्ट में देखो, अक्सर आपको मिलेंगे जो पहले आपके 20 बच्चे हैं, वैसे तो आपके टॉप के 50 बच्चे ऑल इंडिया में होंगे, लेकिन आपके जो पहले 10 हैं, चलो किसी को एम्स दिल्ली, किसी को मौलाना आज़ाद, किसी को UCMS वर्धमान वहाँ भी मिला, तो वो उठ के दिल्ली जाएगा। बट उसके बाद के बच्चे क्यों छोड़ेंगे अपना स्टेट? तो उस स्टेट के जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो सरकारी से सिर्फ कहते हैं सर बस सरकारी और मेरे बीच में खाली 100 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल हैं, बट तो ये सोचना कि वो 100 बच्चे क्यों छोड़, वो जो ऊपर के बच्चे हैं वो क्यों छोड़ेंगे। सो 10 बच्चे के छोड़ के चले भी गए तो बाकी 90 तो है ना तुम्हारे कॉम्पिटिशन में, तो चांस मुश्किल है कि आपको सरकारी राउंड 2 या 3 में भी आएगा। देखिए फिर हम पुरानी कट ऑफ देखते हैं, सर 2021 में तो ये होता था, सर 2020 में तो हमारे कंसल्टेंट बता रहा था, हमारे काउंसलर बता रहा था कि 300 नंबर पे फलाना सरकारी कॉलेज मिल गया था। तो अब एक चीज़ बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि पिछले 2 साल में ना बहुत भयंकर रूल चेंज हुआ है काउंसलिंग के। सबसे बड़ा जो रूल चेंज हुआ सरकारी कॉलेज के हिसाब से वो है कि हर जगह ने PWD सीट होती है, फिजिकल हैंडीकैप, और वो सीटें हमेशा खाली रहती है क्योंकि इतने बच्चे फिजिकली हैंडीकैप होते ही नहीं है जो नीट क्वालिफाई करें। अब पहले 2021 तक क्या रूल था कि राउंड 3 के बाद ये नॉर्मल सीट बनती थी, तो अक्सर जो आपसे ऊपर वाले सरकारी बच्चे थे 580 590 605 वाले या ऑल इंडिया रैंक 35 40 45 वाले, वो सब स्टेट से वेरी करता है, उसको लगता था यार सरकारी मिलने का तो चांस है नहीं, तो मैंने राउंड 2 में या 3 तक में भी डीम्ड पकड़ लिया, सस्ता प्राइवेट पकड़ लिया, कर्नाटका पकड़ लिया। और जब वो चौथा राउंड सरकारी का हुआ तो बच्चे मुश्किल से पहुँचते थे, और आपको पता है 3 साल पहले तक ये एक एक स्ट्रे राउंड हर कॉलेज में अलग अलग होता था, हर सरकारी कॉलेज में अलग अलग, तो आप कहाँ जाओगे कहाँ पहुँचोगे, आपको कंसल्टेंट्स बताया करते थे, जो सही जगह पहुँच गया जहाँ बच्चे ही कम पहुँचे आपको सीट मिल जाती थी। तो होता था कि अरे उस ज़माने में तो बच्चे को 300 नंबर पर सीट मिल गई थी, लेकिन पहली बात तो अभी कि राउंड 3 के दौरान ही अब कन्वर्ट हो जाते हैं PW सीट नॉर्मल सीट में, राउंड 3 के दौरान। दैट मीन्स राउंड 3 काउंसलिंग के टाइम अगर कंप्यूटर ने देख लिया कि शेड्यूल ट्राइब के 4 सीटें नॉर्मल बची हुई हैं, 2 सीटें PWD की बची हुई हैं, और PWD में किसी ने अप्लाई ही नहीं करा है, तो वो राउंड 3 में ही 2 सीट को बना देगा नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब और 4 की 6 कर देगा, और नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब तो 100 होंगे लिस्ट में तो पहले 6 को वो दे देगा। पर 2 साल पहले तक ये काम होता था चौथे राउंड में, और तब तक लोग रुकते नहीं थे, टिकते नहीं थे, तो हमें कम नंबर पर सीट मिल जाती थी। अब तो भाई राउंड 3 में नॉर्मल कन्वर्जन हो जाती है, दूसरा हिस्सा ऑल इंडिया कोटा में अपग्रेडेशन भी हो गया, तो वो PWD के भरोसे भी आप मत रहिए, वो सीटें भी मेरिट वालों को ऊपर ही मिलेंगी। तो इस तरह हरियाणा की अगर आप, तो नॉर्मल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा दिल्ली पंजाब का ये फायदा है कि आपको अपना स्टेट नहीं मिलेगा, आप नीचे जाओ ऑल इंडिया कोटा में जो बेस्ट से बेस्ट सीट मिलती है अपनी चॉइस फिलिंग करो, 1 से 380 अपने हिसाब से करो, हम सलाह देते हैं, हम तो क्वालिटी के हिसाब से सलाह देते हैं, और थोड़ी हमारी लिस्ट नॉर्थ इंडियन फोकस्ड है, बट उसके हिसाब से हमने तो एक्सेल बना रखी है विद ऑल द फिल्टर, तो यू कैन ऑलवेज चेंज द ऑर्डर। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, आप समझ गए कि अगर आप टिपिकल महाराष्ट्रियन बच्चे हो और फिलहाल सरकारी से आप खाली 40 बच्चे दूर हो, तो आप मान के चलिए कि आपको 40 बच्चे पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी करंट कट ऑफ है 590 नंबर की, वो पहले ही बहुत नीचे है। हिमाचल में 540 की कट ऑफ है, तो 535 वाले को क्यों मिलेगी सीट? वो तभी मिलेगी कि अगर एक 680 वाला आपकी लिस्ट में है, उसे अगर एम्स दिल्ली मिल गया, उसके तुरंत बाद ही अगर 640 है, उसे दिल्ली के कॉलेज ही मिल रहे हैं, वो कहेगा मैं अपने हिमाचल में पढ़ रहा हूँ, तो जब वो छोड़ेगा ही नहीं हिमाचल का स्टेट सीट, तो आपको कैसे मिलेगी? तो चाहे 20 नंबर नीचे रह गए, विज अ विज हरियाणा दिल्ली बिहार राजस्थान में स्टेट कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ऊपर है, तो आपको ऑल इंडिया की सीट आराम से मिल जाएगी अगर आप अपनी स्टेट को मिस कर रहे हो, लेकिन स्टेट वापस नहीं मिलेगा अनलेस अंटिल जो आपके स्टेट के टॉपर्स हैं उनको दूसरे स्टेट में थ्रू ऑल इंडिया कोटा ड्रीम कॉलेजेस मिल रहे हैं। और मैं कह रहा कि मेरी जो टायर 1 की भी 50 कॉलेज की लिस्ट है हमारी GK वर्स की, विवेक गुप्ता सर की मेरी, वो तो अक्रॉस इंडिया है, राइट? लेकिन फिर वो फैक्टर्स पिक्चर में आ जाते हैं। मैं कह रहा टिपिकल पंजाब का बंदा सोचेगा यार या तो दिल्ली के मिल जाएँ या जा सारा PGMS रोहतक मिल जाए, वो भी PGMS रोहतक के लिए तभी छोड़ेगा पंजाब जब उसे GMC पटियाला अमृतसर नहीं मिल रहा, या मुझे चलो बगल में IGMC शिमला मिल जाए या KMU लखनऊ GVM कानपुर टाइप के कॉलेज मिल जाए। अब इसके अलावा तो फिर मैं फरीदकोट में ही पढ़ रहा हूँ, तो जब वो वहीं पढ़ रहे हैं तो उसके जरा सी नीचे बच्चे रह रहे हैं, उनको सीट कहाँ से मिलेगी, राइट? तो ये सोच समझ के आप सरकारी एक्सपेक्टेशन लगाइए। उसके बाद एक फाइन चीज़ें आती हैं, जैसे टिपिकल मैं आपको हरियाणा की बात बताऊँ, अब हरियाणा में 2 तरह के OBC होते हैं, OBC A OBC B, सारे OBC हैं ये, नेशनल OBC हैं, बट नेशनल लिस्ट में तो ये OBC हैं, और ऑल इंडिया OBC की कट ऑफ तो 615 चल रही है, तो वो तो 610 608 से नीचे गिरेगी नहीं। अब इससे में राउंड 1 में सरकारी सीट मिलगी BCA वाले को 590 पे, वो इसलिए मिलती है कि विद इन हरियाणा हमने क्लासिफिकेशन कर दिया BCA मतलब असली वाले OBC थोड़े हल्के वाले,
और BCB वही हैं जो बिल्कुल अब जनरल की तरह ही कॉम्पीट और परफॉर्म कर रहे हैं। तो BCB की कट ऑफ तो जनरल वाली है, और BCA को मिल जाता है बेनिफिट 30 से 35 नंबर का, क्योंकि वो थोड़ी सी उन्होंने कमज़ोर छोड़ा ऐसे कम्युनिटीज़ को रखा हुआ है। तो कोई वो BCA का बच्चा कह रहा है 565 वाला कि सर बस मेरे और सरकारी के बीच में सिर्फ 5 बच्चे हैं BCA के, तो मुझे मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। मेरा कहाँ से मिलेगा भाई, ये 10 बच्चे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है ना कि तू BCA का टॉपर देख ले। अब BCA का टॉपर हरियाणा BCA छोड़ के सीट तभी तो छोड़ेगा जब उसको ऑल इंडिया में एम्स दिल्ली या एम्स नागपुर जोधपुर पुराने एम्स मिल रहे हैं, एम्स ऋषिकेश मिल रहा है या KMU लखनऊ मिल रहा है। अगर वो नहीं है तो सारे बच्चों को हरियाणा ही कॉलेज मिलेंगे तो क्यों छोड़ेगा। तो चाहे तेरे ऊपर 3 बच्चे भी हैं तुझे छोड़ना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया है कि आप ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये रहता है कि सर सरकारी नहीं मिला तो हम अच्छे सस्ते प्राइवेट में जा सकते हैं। अब डेफिनेटली कर्नाटका की तो ऑप्शंस ख़त्म हो गई क्योंकि परसों उसकी चॉइस फिलिंग हो गई है, बट उसके अलावा आपको आप प्राइवेट की प्लानिंग कर सको, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो आज बना के दे रहा हूँ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। हमसे काउंसलिंग कराना चाहें, हमसे संपर्क करना चाहें, आप जानते ही हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए। और इसे पेड काउंसलिंग मैं हमेशा कहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।